आज हम बनाएंगे वेजिटेबल उपमा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जो पानी है ये गर्म हो चुका है, तो फिर हम इसमें डालेंगे गाजर छोटे टुकड़ों में कटे हुए, हरा बीन्स छोटे टुकड़ों में कटे हुए, थोड़ा सा उबल आने तक इंतजार करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाजर और बीन्स सॉफ्ट ना हो जाए। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। देखिए हमारा जो घी है ये गर्म हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे काले सरसों, फिर हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको सौते फ्राई करेंगे। देखिए हमारा जो प्याज है ये सौते फ्राई हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे हरा मिर्च छोटे टुकड़ों में कटे हुए, इसको भी थोड़ा सा मिला लेंगे। अगर कोई तीखा ज़्यादा पसंद करता है तो ये बाद में भी दे सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। सूजी को हम इसी में थोड़ा सा फ्राई। देखिए हमारा जो सूजी है ये फ्राई हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड किया हुआ गाजर और हरा बीन्स। यह थोड़ा सा पानी कम हुआ है तो फिर हम नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं। इसमें हम नॉर्मल पानी इसमें डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए सूजी जो है बहुत अच्छे से हम मिला लिए हैं। इसका उबल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, इसको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। Thank you.
वो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल उपमा बनके तैयार है। ये बहुत हेल्दी फूड है, तो इसको ब्रेकफास्ट में हम खा सकते हैं। एंजॉय द वेजिटेबल उपमा।